दोस्तों BTS अभी तक इंडिया आने के काफी सारे हिंट दे चुके हैं और ऐसे में काफी सारी आर्मी सोच रही हैं कि जैसे कि आज से पहले कुछ K-pop आइडल्स जो इंडिया में आए थे उन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए थे, तो क्या BTS भी ऐसा करेंगे? तो दोस्तों BTS इंडिया में आके बॉलीवुड सॉन्ग्स गाएंगे या फिर नहीं, ये तो काफी बात की बात है। लेकिन फिर से हमारी इंडियन आर्मी की ये इच्छा पूरी करने के लिए अंशुमन शर्मा ने एक और बहुत ही बेहतरीन एडिट बनाया है और BTS के एक और मेंबर को हिंदी में सॉन्ग गवाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अंशुमन शर्मा ने सबसे पहले BTS के मेंबर जंगकुक को हिंदी में सॉन्ग गवाया था जो कि बहुत ही वायरल हो गया था और आर्मीज की डिमांड पे उसके बाद उन्होंने तेयोंग यानी वी और उसके बाद जिमिन को भी हिंदी में सॉन्ग गवाया था। हालांकि दोस्तों अब वोकल लाइन के नेक्स्ट मेंबर का नाम आ चुका है जिनका नाम है जिन। तो दोस्तों एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जिन BTS के वोकल लाइन के मेंबर हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं और उनकी इसी सुरीली आवाज को हिंदी में ट्रांसफॉर्म किया है अंशुमन शर्मा ने। तो दोस्तों इस बार जिन ने जिस सॉन्ग को गाया है उसका नाम है मैं और तू। और दोस्तों यही नहीं बल्कि हमेशा की तरह वीडियो के बीच में अंशुमन ने जिन के इस गाने को गाते हुए क्लिप्स को ऐड भी करा हुआ है और साथ ही में लिरिक्स भी लिखे हुए हैं। हालांकि दोस्तों शॉकिंग बात तो ये है कि अगर आप जिन की लिप सिंग देखें तो वो लिरिक्स से बहुत ही ज्यादा मैच हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लिरिक्स को पढ़ के उस सॉन्ग को सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि जिन शायद सच में हिंदी में ही गा रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप में से किसी को इस बेहतरीन एडिट को देखकर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जिन हिंदी में नहीं गा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिट ही है। लेकिन हमारे अंशुमन शर्मा इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि उन्होंने इस सॉन्ग को एकदम रियल बना दिया है। दोस्तों अब इस हिसाब से वैसे तो वोकल लाइंस के सभी मेंबर्स ने हिंदी में सॉन्ग्स गा लिए हैं और बहुत ही सारे आर्मीज इस सॉन्ग्स को बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रही हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि काफी सारे आर्मीज का तो कहना था कि अगर हो सके तो अंशुमन को इन सॉन्ग्स का फुल वर्जन निकाल देना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि कोरियन लिरिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक मीनिंगफुल सॉन्ग बनाना खुद में बहुत ही बड़ी बात होती है। हालांकि दोस्तों अब वोकल लाइंस के सभी मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं यानी जिन, जंगकुक, जिमिन और वी चारों ने ही हिंदी में सॉन्ग्स गा लिए हैं। तो दोस्तों अब बहुत ही सारे आदमी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि क्या अंशुमन शर्मा BTS के रैपिंग लाइन यानी RM, सुगा और J-Hope को भी हिंदी में रैप करवाने वाले हैं या फिर नहीं। दोस्तों काफी सारे आर्मी इस चीज का वेट कर रही हैं कि जल्दी से अंशुमन शर्मा BTS के बाकी मेंबर्स का भी हिंदी में रैप बनाए और वो हिंदी में BTS के मेंबर्स को रैप करते हुए सुन पाए, क्योंकि अब उन्हें गाते हुए तो सुन ही लिया है, अब इंतजार है उनकी हिंदी में रैपिंग देखने का और ये देखने का कि हिंदी में अंशुमन शर्मा कितने अच्छे से BTS के लिरिक्स को मैच कर पाते हैं और साथ ही साथ उनके रैपिंग स्किल्स को भी साथ में दिखा पाते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको जिन का ये हिंदी सॉन्ग कैसा लगा और क्या आप भी चाहते हैं कि अंशुमन BTS के बाकी मेंबर्स के रैप बनाए वो भी हिंदी में। दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।